સાથે આગળ આજે ચર્ચા કરવા માટે ખાસ ક્વાર્ટર ફોરની અપડેટ્સ અને કેવી રીતના વસ્તુઓ દેખાઈ રહી છે એ વિશે મુથુટ ફિનાન્સના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે. કંપનીના એમડી જ્યોર્જ એલેક્ઝાન્ડર મુથુટ જોડાઈ ચૂક્યા છે આગળ ચર્ચા કરવા માટે. હાય સર, શુક્રિયા મેરે સાથ જુડને કે લિયે. સબસે પહેલે તો ગ્રાઉન્ડ પર સિચ્યુએશન ક્યા હૈ ઉસી સે શરૂઆત કરે, ક્યુંકિ મેં જિતની કંપની સે બાતચીત કરે હું, હમ લોગ ઓલરેડી કોવિડ કે ડિસ્ટ્રપ્શન્સ મે સે તો ઉપર આ ચુકે હૈ, લેકિન અબ જો ડિમાન્ડ વર્કઆઉટ હો રહી હૈ, કાફી જ્યાદા મોમેન્ટમ પકડ ભી રહી હૈ, ડિમાન્ડ કન્ડિશન અચ્છી ભી દિખ રહી હૈ, આપકી તરફ સે એક આઈડિયા કિસ તરીકે સે ટ્રાન્સલેશન દિખ રહા હૈ ટુવર્ડ્સ નોર્મલાઇઝેશન, એક કમેન્ટ આપ અગર દે પાએ ઉસી સે શરૂઆત કરે. क्वार्टर फोर वैसे तो अच्छा क्वार्टर थे कंपेयर टू क्वार्टर वन, क्वार्टर टू एंड क्वार्टर थ्री. क्वार्टर फोर अच्छा था, मेरा उम्मीद से क्वार्टर फोर में अच्छा रिजल्ट ही आएगा. सो इसका कारण यह है इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह अभी ज्यादा चल रहा है क्या, और छोटा बिजनेस वगैरह भी अभी शुरू शुरू हो रहा है, पूरा 100% शुरू 100% बैक टू नॉर्मल नहीं आया है, मगर इसका उम्मीद तो है अगला दो क्वार्टर में, 3-6 महीने में और 2-3 क्वार्टर में ये नॉर्मल हो जाएगा और बिजनेस दोबारा प्री कोविड लेवल तक आएगा, आ सकता है. अग्रीड सर. अच्छा, रूरल सिचुएशन कैसे वर्कआउट हो रही है, क्योंकि जो भी कंपनी से बातचीत करें रूरल की तरफ से काफ़ी अच्छा पिकअप दिख रहा है ये बताने में आ तो रहा है, लेकिन क्योंकि आपका एक्सपोजर वहाँ पे ज़्यादा है, एक आइडिया इसके ऊपर इन कंपैरिजन टू सेमी अर्बन, अर्बन रूरल पिकअप डिमांड कैसे दिख रही है, वहाँ से किस तरीके से लोन ग्रोथ का आंकड़ा दिख रहा है, एक आइडिया इसके ऊपर अगर आप मुझे दे पाएं. Yeah, our rural branches are also doing good work. They are also seeing pickup because rural was actually initially maximum affected during because of the COVID. They were the people who were maximum affected. Abhi to wo bhi dheere dheere nahi, thoda fast wo bhi recover ho raha hai. Wo hamara microfinance business mein bhi wo iska asar pad raha hai. अग्रीड सर. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ एयूएम ग्रोथ वहाँ पे किस तरीके से आंकड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि पिकअप तो एक दिखा था क्वार्टर थ्री के ऑनवर्ड्स, अब चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट होंगी इसके ऊपर आपका एक आइडिया अगर मुझे दे पाएं आप, क्योंकि बाकी सारी कंपनीज के लिए भी ये थोड़ा बेहतर रहा है, एक आइडिया, क्योंकि क्वार्टर थ्री के आंकड़े जो मैं वॉच आउट कर रही थी वहाँ पे भी एक मोमेंटम था, एक आइडिया एयूएम ग्रोथ कैसे दिख पाएगा इसके ऊपर. या हमारा गोल्ड लोन बिजनेस में हम हमेशा 15% का ग्रोथ एस्टिमेट हर साल के लिए देते रहता है, वो भी अगले 2-3 साल में वो भी हम 15% का ग्रोथ का एस्टिमेट दे सकता है, वही हमारा टारगेट जो है कम से कम 15%. अगर सब चीज अच्छा है तो इससे ज्यादा भी कर सकता है, मगर हमारा मिनिमम टारगेट और आवर प्रोजेक्शन वुड बी 15% growth in business. Agreed sir. Or in terms of collection efficiencies, वहाँ पे किस तरीके से trend दिख रहा है, क्योंकि जितने भी bank से बातचीत हो रही है above 90% ये quantum पहुँच चुका है, repayment schedules किस तरीके से workout हो रहे हैं इसका एक idea अगर आप मुझे दे पाएं. मैं एक एक चीज बता देंगे. पहले तो gold loan में अभी EMI वगैरह कुछ नहीं है, वो बुलेट रिप्लेसमेंट है, इसमें महीना महीनों का किस्त लेने का कोई जरूरत नहीं है, वो दिस इज बुलेट रिपेमेंट. सो गोल्ड लोन बिजनेस में वो कलेक्शन एफिशिएंसी का सवाल नहीं उठता है, मगर इसमें सिर्फ हम एक चीज देखता है, हम जो 12 महीने के लिए जो देता है इसमें कितना परसेंटेज लोग 12 महीने में क्लोज कर रहता है. हमारा एफिशिएंसी जो उसमें अगर मेजर करेगा तो 95% प्लस एफिशिएंसी है उधर, जो 12 मंथ्स में क्लोजिंग कर रहा है उसको गोल्ड लोन का. सो उसके बाद 90 डेज में और 2-3% करेगा, फिर जो रहेगा वो भी 2% कुछ होगा और वो हम ऑक्शन करना पड़ेगा, वही तो गोल्ड लोन का बारे में. मगर वो हमारा व्हीकल फाइनेंस, होम फाइनेंस,
इसका कलेक्शन एफिशिएंसी जिसको मंथली ईएमआई है इसका अभी 90 से 92 के ऊपर है। ओके अग्रीड सर। और एमएफआई सेगमेंट वहाँ पे कैसे चीज दिख रही है, क्योंकि रिसेंटली जो चेंजेस आए हैं आरबीआई की तरफ से उसको भी इम्प्लाई करने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, एक आउटलुक वहाँ पे परफॉर्मेंस किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है? या हमारा जो ग्रोथ मैंने बोला था ग्रोथ को 15% का ग्रोथ का उम्मीद हम देखते अगला दो साल में हम उसके लिए वर्क कर रहे हैं, वो तो ग्रोथ के बारे में। अगर मगर इसके इसके पीछे जो है हमारा जो रीजनिंग जो है हम इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप देख रहे हैं जो सिटी में हो या रूरल में है हो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप देख रहे हैं। हमारा आपने जो पूछा था यील्ड के बारे में, हमने पिछले दो क्वार्टर में हमने कुछ टीसर रेट्स वगैरह दिया है, इंटरेस्ट रेट गोल्ड लोन का टीसर इंटरेस्ट रेट जो 6% 7% वगैरह को दिया था हमने अभी थोड़ा वो कम कर रहा है, मे बी वो उसको टीसर रेट का टाइम भी अभी खत्म हो रहा है तो टीसर रेट्स हम थोड़ा थोड़ा विथड्रॉ कर रहा है और हमारा यील्ड और यील्ड वगैरह रख सकता है अगले दो क्वार्टर में। जो पिछले दो क्वार्टर में हमें यील्ड थोड़ा सा कम हुआ होगा मगर इसमें हमारा प्रॉफिट का कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ा है। अग्रीड सर। और एमएफआई सेगमेंट की जो हम लोग बात करें था, अग्री निम्स की ट्रेजेक्टरी क्रेडिट ग्रोथ आउटलुक आपने जो बताया वो काफी बेटर पैरामीटर्स पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे और क्या प्लान्स है? क्या एमएफआई जो एमएफआई माइक्रो फाइनेंस जो बिजनेस है वो इसका एक बहुत कारण जो है इसकी वजह से आम लोग को हाथ में पैसा दे सकता है, जो भी गवर्नमेंट हो बैंक हो जो भी जिसी भी एजेंसी हो, अगर आम लोग को रूरल पीपल और आम लोग जो नीचे जो लोअर सेक्टर है उसको हाथ में पैसा देना एक तरीका एक व्हीकल है माइक्रो फाइनेंस। और माइक्रो फाइनेंस जब वो आम लोग को रूरल वगैरह में पैसा देता है इसको कंसम्पशन बढ़ जाता है, वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए हर एक गवर्नमेंट माइक्रो फाइनेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी एक नया पिछले दो हफ्ते में एक नया रूल्स भी आया है रिजर्व बैंक से माइक्रो फाइनेंस को सपोर्ट करते हुए। इसका मतलब यह है गवर्नमेंट वगैरह माइक्रो फाइनेंस को बहुत सपोर्टिंग कर रहा है और क्योंकि वो भी समझ गया है माइक्रो फाइनेंस एक एसेंशियल बिजनेस है जिससे पैसा कस्टमर्स को दे सकता है। सो हैविंग सेड दैट आई फील दैट माइक्रो फाइनेंस हैज गॉट अ गुड potential going forward also because there will be support from everywhere, whether it is banks who are always ready to purchase this microfinance portfolio or regulators and government who are able to fund these also. So going forward there will be good time for microfinance in the days to come. Bilkul. अग्रीड सर। अच्छा लास्ट चीज़ मैं जो आपसे समझना चाह रही थी वो इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी को लेकर भी है, क्योंकि कल हम लोग आते हुए देखेंगे और जब ये कंडीशन है कि ग्लोबल मार्केट्स के अंदर हम लोग पिकअप होते हुए देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स को, सिमिलरली हमारे सेंट्रल बैंक की तरफ से अगर ये स्टांस लिया जा रहा है अपनी इकोनॉमी पे कैसा इम्पैक्ट होगा, आपका पर्सपेक्टिव किस तरीके से दिख रहा है इकोनॉमी के लिए भी और बैंकिंग एनबीएफसीज के लिए भी, अगर आप मुझे एक ये आइडिया दे पाएं? मेरा ख्याल से अभी जो पिछले दो साल में हम देखा है हमारा वेस्टर्न कंट्रीज और ग्लोबल का लिंक इतना ज्यादा नहीं है। पहले तो कुछ भी चीज ग्लोबल में हुआ तो इसका असर इधर पड़ रहा था और पॉलिसी में भी इसका चेंज कर रहा था। पिछले दो तीन चार क्वार्टर में हमने जो हमारे क्रेडिट पॉलिसी हमारा रेट्स वगैरह इंटरनेशनल का लिंक कम है आजकल, तो मेरा ख्याल से एनीवे दो तीन दिन में अदर का पॉलिसी भी आएगा, मेरा मेरा उम्मीद है मेरा एक्सपेक्टेशन है कुछ चेंज नहीं करेगा।